हेमंत सोरेन की जमानत पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया बयान। इस देश की एजेंसी मोदी शाह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कल कोर्ट से जमानत मिल गई। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को कल जमानत दे दी। शुक्रवार को जमानत के बाद पूर्व सीएम सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या बोले सांसद संजय राउत? जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी को पकड़ा है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन कसूर थे। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया, याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूति के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि सोरेन बिरसा मुंडा जेल में कैद थे और कानूनी औपचारिकताएं पूरी तरह करने के बाद उन्हें 4 बजे रिहा किया गया। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाब चौधरी ने कहा, सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर रिहाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सोरेन को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर खुशी जताई।